बहुत लोग ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं, उन्होंने जिम स्टार्ट किया है अभी या जिम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उन लोगों के बारे में ये वीडियो है। वो लोग सोचते हैं कि क्या सप्लीमेंट हमारे लिए नेसेसरी है, या सप्लीमेंट के बिना हमारी बॉडी नहीं बनेगी, या हमें ट्रेनर्स बोलते हैं कि सप्लीमेंट बहुत जरूरी है, इसके बिना आपकी बॉडी नहीं बन सकती। इसके रिगार्डिंग जो आपकी आज की वीडियो है वो ये है, आप सबके लिए फायदेमंद है, प्लीज़ जरूर देखिएगा। तो जो लोग बिगिनर हैं वो जिम में जा करके पहले दिन वर्कआउट करते हैं, उन्हें ट्रेनर बोलते हैं आप ये सप्लीमेंट लीजिए जिससे आपकी बॉडी जो है बन जाएगी। देखिए, वो ट्रेनर जो आपको पहले दिन ही सप्लीमेंट देता है, वो ट्रेनर आपको कभी ट्रेन नहीं कर सकता। उस ट्रेनर को लात मारिए, उस जिम से निकल जाइए। वो ट्रेनर आपकी बॉडी कभी नहीं बना सकता। ऐसे ट्रेनर्स का काम जो होता है वो सिर्फ इन प्रोटीन के डिब्बों को जो होता है वो बेचना होता है। इनका प्रॉफिट सिर्फ पैसे कमाना होता है, आपकी बॉडी को गेन करना या कोई भी गोल अचीव करना नहीं होता। तो प्लीज़, अगर आपको एक बॉडी गेन करनी है या कोई भी फिटनेस का गोल अचीव करना है तो जरूरी नहीं है सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है स्पेशल फॉर बिगिनर्स के लिए। दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू स्पेशली बिगिनर्स। सो एक और जो मिथ है, कहते हैं कि अगर हम सप्लीमेंट नहीं लेते तो हम डाइट फॉलो कर सकते हैं, वो नेचुरल गेन कर सकते हैं। जी हाँ, नेचुरल गेन कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। एक अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ती है हमको। 5 meals a day या 6 meals a day करके के हमको कोई गोल अचीव करना होता है, चाहे वो गेन का हो चाहे वो फैट लॉस का हो। नेचुरल गेन किया जा सकता है। मैंने भी जब जिम स्टार्ट किया था बहुत साल पहले, तो मैंने भी 2 साल तक नेचुरल गेन किया था। मैं भी उस टाइम पे बिगनर था, मेरे माइंड में भी बहुत सारे मिथ थे कि मैं सप्लीमेंट लूँ या ना लूँ। मुझे भी ऑफर किया गया, फिर मैंने किसी अच्छे कोच से जो सलाह ली थी उसने कहा था कि अभी मत लो, ज़रूरी नहीं है सप्लीमेंट लेना, आप नेचुरल गेन कर सकते हैं। मैंने भी नेचुरल गेन बहुत बार किया है, स्पेशली मैं नेचुरल गेन करना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं इतना डिपेंड नहीं रहता सप्लीमेंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट जो ये है कि अगर हम जो लोग बिगिनर्स हैं वो जिम में जाते हैं, उनको कोई ट्रेनर उनको ऑफर करता है कि आप ये सप्लीमेंट लीजिए जिससे आपका जो है फिटनेस गोल जल्दी अचीव हो जाएगा, तो वो बिगिनर्स जो है उन ट्रेनर्स को मना कर देते हैं। और फिर वो जो ट्रेनर्स होते हैं उनको अच्छे दिल से या उनका गोल जो होता है वो अच्छा अचीव नहीं करवा सकते, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव होता है वो सेल करना होता है, उनके जो प्रोटीन होते हैं या कोई भी किसी भी तरह का बिगिनर होता है। बिगिनर्स लोग जो है उसे मना कर देते हैं एंड वो इस बात से नाराज होकर के उनको ट्रेनिंग नहीं देते। सो प्लीज़, आप किसी ऐसे ट्रेनर को चूज़ करिए जो आपसे बिना नाराज हुए, या अगर आपको वो अगर सप्लीमेंट ऑफर करता भी है तो आप उसको मना कर दीजिए, वो फिर भी आपको अच्छे दिल से वर्कआउट करवाए। ये अच्छे ट्रेनर की निशानी होती है। ऐसे नहीं आपको उसने कोई भी सप्लीमेंट ऑफर किया, आपने उसको मना कर दिया, कल को वो आपको वर्कआउट लगवाए ना, या आपको कुछ भी तरह की इंजरी करवा दे जान करके, इसलिए ताकि आपने उससे सप्लीमेंट नहीं लिया। सो एक फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि लोग कहते हैं सप्लीमेंट जरूरी होता है, हमारी बॉडी को नीड होती है। मैं ये कहना चाहूँगा स्पेशली फॉर बिगिनर्स, आपकी बॉडी अभी इतने लेवल पे नहीं है कि आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़े। आपको अभी सप्लीमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल डाइट से गेन कर सकते हैं, या फैट लॉस कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं वो नेचुरल डाइट से कर सकते हैं। वो स्टार्टिंग में आपको सप्लीमेंट लेना आपको हार्म कर सकता है, या आपको कुछ भी अंदर से रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी अभी वो लेने के काबिल नहीं होती। आपकी बॉडी अभी इतना प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर सकती एक टाइम पे जितना कि आप उसको देते हैं एक स्कूप पे। सो ये थे कुछ मेन टिप्स जो मैंने अपने 6 से 7 साल के करियर में सीखा है उन बिगिनर्स लोगों को बताने के लिए, क्योंकि ये मैं आजकल देख रहा हूँ मेरे जिम में भी होता है जहाँ पर मैं ट्रेनिंग देता हूँ। बहुत सारे ट्रेनर्स तो मुझे भी आकर के बोलते हैं कि आप सर हमारे से सप्लीमेंट लेके आगे दीजिए, आपको भी हम प्रॉफिट देंगे। मैं उन्हें सरासर मना कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि सामने वाले के किसी क्लाइंट की बॉडी को हार्म हो कोई, तो इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूँ प्लीज़ उसे अवॉइड करें एंड किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर जो है ट्रेनिंग करें। सो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आए। सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और उन लोगों तक पहुँचाएं जो लोग ऐसे हैं, ऐसा काम करते हैं ट्रेनर्स, और उन क्लाइंट्स के पास जो बिगिनर हैं उनको ये बात समझ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ यू डोंट नो नाउ यू नो।